गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में ये भी आप जानते हैं कि कोशिका में जीवन की सारी क्रियाएं होती है, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कही गई है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कोशिका में पाए जाने वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया है। ठीक है, आज हम लोग कोशिका में पाए जाने वाले हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही हरित लवक है जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन अंतर होता है। ठीक है, यह हरित लवक जो होता है वो हरे रंग के होते हैं, इसीलिए जितने भी पौधे हैं वो हरे होते हैं इसी हरित लवक की उपस्थिति के कारण। और यही कारण है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जीव जंतु हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, पौधे कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हरित लवक की संरचना कैसी होती है, ये पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, देखिए हरित लवक, ठीक है, इसको इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं। इसकी भी जो संरचना है देख रही हैं, दोहरी दीवार की बनी होती है, जैसा कि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा है, कोशिका की भित्ति के बारे में पढ़ा है, तो इसकी भी जो दीवारें होती हैं वो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है ना, इसमें एक प्रकार का पूरे में द्रव पदार्थ भरा रहता है। ठीक है ना, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है बच्चों, इसी प्रोटीन युक्त जो लिक्विड भरा हुआ है, द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, डीएनए आपको पिछले क्लासेस में हमने बताया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोज इसी स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, इसी स्ट्रोमा भाग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है ना, इसमें इसकी संरचना देखिए, इसके अंतर्गत देखिए छोटी छोटी सिक्के की तरह संरचना जो कि एक पर एक पूरा रखा हुआ है, सिक्कों का लग रहा है जैसे कि ढेर है। ठीक है ना, इस पूरे ढेर को ग्रैना कहते हैं। ठीक है ना, इस एक सिक्के को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, इसको हम थाइलोक्वाइट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसी इसकी संरचना होती है। ठीक है ना, लवक ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो लवक है, हरित लवक है, ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका आकार गोलाकार होता है, चपटा होता है। ठीक है ना, और ये रंगीन अथवा रंगहीन होते हैं, यानी कि इसका जो रंग होता है वो रंगीन भी होता है और बिना रंग यानी कि रंगहीन होता है। लवक जो है कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। ये जो लवक है वो किस में नहीं पाए जाते हैं? कवक में, जीवाणु में और नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लवक पर्णहरित युक्त हरे रंग के होते हैं। जो लवक होते हैं उसमें पर्णहरिम पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में इसका नाम है क्लोरोफिल, तो ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, पौधों के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं, जितने भी आप देखते हैं पौधे हैं, हरे भाग हैं पौधों के, वो इसमें पर्णहरिम पाए जाते हैं। ठीक है ना, पौधों के सभी भागों में ये पर्णहरिम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य जैसे अभी हमने बताया, मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करना है। इसी के द्वारा, इसी पर्णहरिम के द्वारा पौधे अपना भोजन, ज़्यादातर पौधे पत्तियों में बनता है,
ठीक है, पत्तियों के निचली भागों में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका की इस जो लवक है इसको कोशिका की रसोई भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही भोजन बनता है। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के अनुसार प्रत्येक हरित लवक के तीन भाग होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में इसका अध्ययन करते हैं तो इसके मेन तीन भाग होते हैं, ठीक है ना। पहला है आवरण, इसके बाहरी आवरण, ठीक है ना। पहला आवरण, हरित लवक दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है। देख रही हैं, बाहर का जो आवरण है वो दोहरी झिल्ली का रहता है और इसमें कोई छेद नहीं पाया जाता है। देख रहे हैं, तो इसमें कोई छिद्र नहीं होता है। यह झिल्ली रंगहीन और प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स को घेरे रहता है। ये जो अंदर जो मैट्रिक्स है प्रोटीन भरा हुआ, इसको चारों तरफ ये क्या करता है, घेरे रहता है, ठीक है ना। दूसरा भाग है स्ट्रोमा, ठीक है ना, देख रहे हैं, दूसरा भाग है स्ट्रोमा। लवक के मैट्रिक्स में जो अंदर जो मैट्रिक्स द्रव पदार्थ भरा रहता है, ठीक है ना, लवक के मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, इसी को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। जो जेल के समान होता है, कैसा होता है, चिपचिपा जेल के समान पदार्थ पाया जाता है और इसी में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा अनेक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इसी भाग में। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। तीसरा भाग है थैलोकोइड। स्ट्रोमा में पाई जाने वाली चपटी पुट्टिकाओं की एक को थैलोकोइड कहते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर के लगभग 10 से 100 तक सिक्के के समान ढेर बनाते हैं, जिसे को ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम की संख्या 40 से 100 होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से पट्टिका पर के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। थैलोकोइड के बीच में पर्ण हरिम, जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णक के आधार पर, यानी कि पौधों के रंग के आधार पर, ठीक है ना। वर्णक तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है हरित लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है अवर्णी लवक। नाम से ही स्पष्ट है, हरित लवक जिसको कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग, ठीक है ना। इसका रंग होता है हरा, जैसे जब टमाटर होता है तो शुरू में हरा होता है, लाल मिर्च होता है वो शुरू में हरी होती है, लेकिन पकने के बाद से ये रंग बदल देता है। टमाटर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है और मिर्च का रंग भी लाल हो जाता है। इसलिए इसमें कौन सा पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। दूसरा है वर्णी लवक, वर्णी का मतलब होता है रंगीन, ठीक है ना, जिसको कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंगीन लवक, जैसे जितने भी आप देखे हैं पुष्प होते हैं, कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, तो ये इसी वर्णी लवक के कारण ही पुष्पों का रंग कई रंग के होते हैं, जैसे फलों में नारंगी, ठीक है। तीसरा है अवर्णी लवक, नाम से ही स्पष्ट है, अवर्णी यानी कि इसका कोई वर्ण नहीं होता है, इसमें रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। जब इसमें रंगहीन नहीं होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और ये रंगहीन होने के कारण इसमें केवल ये धरती के जमीन के नीचे पड़े रहते हैं और इसमें क्या, शर्करा इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। अब तो ये तो प्रकार हो गया, अब हम देखेंगे कि इसका क्या कार्य है। हरे पौधे में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, ये आप जानते हैं, मेन कार्य इसका यही है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इसमें भोजन बनता है। सूर्य का प्रकाश हरित लवक पर्ण हरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, वातावरण से, ठीक है ना,
वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे की जड़ों से ये जल को अवशोषित करते हैं, जिसका सूत्र होता है H2O, ठीक है, की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार इनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थ संचित कर देता है, ठीक है। इसका सूत्र देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के पत्तियों में, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 और H2 मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ठीक है, जब प्रकाश की उपस्थिति में और कहाँ पर, पौधों के हरे भागों में, पर्णहरित में जब ये प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देख रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना, इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। आप जानते हैं हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इसी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये हम लोगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा जो छोड़ते हैं, ये इनको अवशोषित करके ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। अतः पर्ण हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज हरित लवक के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग खूब अच्छे तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगी और इसको याद करेंगी, ठीक है ना। धन्यवाद।